तो हेलो गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं होंडाई की i20 है, 2011 का मॉडल है, स्पोर्ट्स पेट्रोल कार है। तो ये गाड़ी का मैं आज डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ। डैशबोर्ड क्यों खोलने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका इवापोरेटर कॉइल लीक हो चुकी है, इस वजह से मैं इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ। तो ये जो मैं डैशबोर्ड खोल के फिटिंग करके पार्ट्स वगैरह चेंज करके दिखाता हूँ ना दोस्तों, तो ये सब चीज़ें सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ऐसे ऐसे काम होता है, ऐसा ऐसा किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर मारा, तो नाइट्रोजन का प्रेशर मारने के बाद वैसे तो अंदर कॉइल जो लीक रहती है ना, तो मालूम जल्दी नहीं पड़ता है कि कहाँ से लीक हुआ है। तो इसमें इवापोरेटर कॉइल जो आपका लीक होता है ना, तो दो तीन चीज़ें सिंबल देती है। सबसे पहले अगर आप ब्लोअर चालू करते हैं और यहाँ से स्मेल लेते हैं, हवा का स्मेल अगर लेंगे आप, तो आपको गैस का स्मेल आएगा। तो उस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि इसका कॉइल लीकेज हो चुका है। तो जैसा कि मैंने इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर मारा, प्रेशर माइनर ड्रॉप हो रहा था, तो बाहर मैंने सब सिस्टम चेक किया, पाइपलाइन कंप्रेसर वगैरह चेक किया, तो कहीं से लीक नहीं था। जब अंदर आया ब्लोअर की स्पीड, कान को इधर लगा करके आप, बड़ा लीकेज है तो कान यहाँ अगर लगाएंगे तो वो भी सुनाई देगा, तो बट कान लगाया तो मैंने सुनाई नहीं दिया। तो फिर मैं इसका स्मेल लिया तो इस गैस की स्मेल आ रही थी, तो इस वजह से इसका कूलिंग कॉइल इवापोरेटर कॉइल लीकेज हो चुका है। तो इस वजह से मैं इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ। तो चलो फिर मैं अपना काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। डैशबोर्ड खोलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ेगा मेरे को, ये सब चीज़ें तो लगभग आपको मालूम ही होगा, और इसके साथ साथ मैं कॉइल का प्राइस कितने में मिलता है, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो फिर खोलने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैटरी की वायर निकाल देता हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं बैटरी की वायर फाइनली निकाल चुका हूँ, और सबसे पहले मेरे को कंसोल बॉक्स खोलना पड़ेगा, क्योंकि हर वीडियो में सबसे पहले मैं कंसोल बॉक्स ही खोलता हूँ, क्योंकि अपने को यहाँ पे जगह मिल जाती है ना, तो डैशबोर्ड पलटी मारने के लिए, अपने को होल्ड करने के लिए सीट के ऊपर आसानी से पलटी हो जाता है डैशबोर्ड, तो इस वजह से मैं कंसोल बॉक्स खोल देता हूँ और गियर बॉक्स को खोल के पलटी मार देता हूँ। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले आपको ये जो देख रहे हैं इसमें लॉक रहता है, इसको निकालेंगे, ये निकल जाएगा, उसके बाद ये वाला निकालना पड़ेगा आपको। सके देख पा रहे, ये भी निकल गया, और इसमें दो सॉकेट रहेगी पीछे साइड, एक अपना USB पोर्ट का, एक हाथ से मेरे को ताकत नहीं मिल रही, सॉकेट दबाने को नहीं मिल रहा है, तो ये सब दोनों सॉकेट निकालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे सॉकेट निकल चुकी है, और ये मेरा इजीली अब निकल जाएगा, इसको थोड़ा क्रॉस करके इसमें डालेंगे, इजीली बाहर आ जाएगा। जैसा कि देख पा रहे बाहर आ चुका। अब अपने को खोलना क्या है, ये देखो एक स्क्रू इधर है, एक स्क्रू इधर दिया है, उसके बाद यहाँ रहेगा 10 नंबर, जैसा कि देख पा रहे हैं ये खोलना पड़ेगा। ये खोलने के बाद और किधर तो कुछ दिख नहीं रहा है, एक साइड में क्लिप रहेगा, ये देख पा रहे हैं क्लिप है, और इस साइड भी एक क्लिप रहेगा। तो दोनों खोल के मैं इसको फिर बाहर लेता हूँ, खोलता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे दोनों स्क्रू भी खोल गया हूँ, साइड का दोनों क्लिप भी निकाल दिया हूँ, और यहाँ का 10 नंबर निकाल दिया हूँ। अब ये इजीली इसको ऊपर खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। तो हैंड ब्रेक थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ताकि यहाँ इजीली आसानी से गैप वगैरह इनको निकल जाए। जैसा कि देख पा रहे हैं ये निकल चुका, इसको मैं पीछे होल्ड कर देता हूँ। जो होल्ड कर दिया, अब मेरे को खोलना पड़ेगा गियर बॉक्स को पलटी मारना पड़ेगा। तो गियर बॉक्स को पलटी मारने के लिए 12 नंबर 4 बोल्ट दिया हुआ है, जो इधर दिख रहे हैं, जो इधर दिख रहे हैं, तो ये खोल के फिर मैं गियर बॉक्स को पलटी मारता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं गियर बॉक्स को खोल के पलटी मार दिया हूँ, और अपने को ये वाली जो सॉकेट देख रहे हैं वायर, ये एयर बैग का जो है, ये वाली सॉकेट यहाँ से खोलना पड़ेगा मॉड्यूल से, क्योंकि ये डैशबोर्ड में लगी है, इस वजह से खोलना पड़ेगा। इसको लॉक दिया हुआ रहता है, लॉक खोलेंगे निकल जाएगा इजीली। तो एक लॉक यहाँ भी है, इसको खोलता हूँ, खोल के फिर मैं निकल के आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं ये सॉकेट भी निकाल दिया, अब मेरे को खोलना क्या है, फ्यूज बॉक्स का कवर जो देख पा रहे हैं, ये वाला इसको ऐसे आगे खींचेंगे, ये निकल जाएगा, और उसके बाद ये वाला पैनल खोलना पड़ेगा मेरे को। तो इसमें 10 नंबर एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, तो और स्क्रू है ये दो, इसके बाद एक स्क्रू यहाँ है,
और ये वाला पैनल खींचेंगे, इसको डॉट से लगा के खींचना पड़ेगा, इसको कटाना पड़ेगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, गैस्केट को थोड़ा इधर ले लेता हूँ, जैसा कि देख पा रहे निकल गया ये भी, और इसमें स्क्रू दिवा रहेंगे एक ही है, एक रही 10 नंबर। तो ये सब चीज़ें मैं खोलता हूँ जो जो मैंने आपको दिखाया, फिर खोलने के बाद फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये 10 नंबर यहाँ का स्क्रू, ये दोनों स्क्रू और ये दोनों 10 नंबर, एक स्क्रू यहाँ का खोल चुका हूँ और एक अंदर रहता है, ये जो सामने दिख रही है आपको ये वाली अंदर 10 नंबर रहता है, वो खोलने के बाद इसको आप खींचेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं निकल गया, ये आप निकालेंगे तो निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकालेंगे तो भी खुल जाएगा ये वाला पैनल। इसको खोलने से पहले ये खोलना पड़ेगा आपको, तो मेरा निकल चुका है। और यहाँ इसमें दो सॉकेट रहेगी, ऐसा कि देख पा रहे हैं ये दोनों सॉकेट को अलग कर दिया मैं, इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब देख पा रहे हैं ये सब सॉकेट वगैरह निकालना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये जो सब सॉकेट है ना, ये फ्यूज बॉक्स जो है डैशबोर्ड से जुड़ा है, डैशबोर्ड एंगल से, तो ये सब सॉकेट निकालना पड़ेगा अपने को। तो सब सॉकेट निकालता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा और मेरे को लेट टाइम भी बहुत लगेगा एक 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 हाथ से सपोर्ट लेने के लिए। तो सब सॉकेट जो जो निकालना पड़ता है मैं वो सब सॉकेट निकाल देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यानी फ्यूज बॉक्स का सभी सॉकेट मेरे को खोलना पड़ा, देख पा रहे हैं, और ये वाली सॉकेट एक नीचे दिया रहेगा, ये वाली सॉकेट खोलना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ का 12 10 नंबर जो दिया है, ये 10 नंबर स्टेयरिंग को यहाँ से नीचे से 12 नंबर खोल के उसको ऊपर उठा के नीचे बाहर ले लूँगा, और उसके बाद ये रही 10 नंबर 4, ये खोलना पड़ेगा। उसके बाद बाकी इस साइड का मैं सब खोल देता हूँ, खोल के फिर आगे आपको एक बार दिखा दूँगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैं स्विच बॉक्स वगैरह सब स्टेयरिंग की यूनिवर्सल जॉइंट जो है ये खोल चुका हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको खोल के स्टेयरिंग लॉक करके आप खोल दें, इसको निकाल दें यहाँ से, और इधर का दोनों 10 नंबर खोल चुका हूँ, बाकी यहाँ का 4 10 नंबर भी खोल चुका हूँ, बाकी इस साइड का मेरा सब फाइनली खुल चुका है। अब इस साइड देख लीजिए आप, टूल बॉक्स खोल लिया हूँ, टूल बॉक्स खोल के ये वाली सॉकेट आपको निकालना पड़ेगा जो कि पावर विंडो का है, बाकी यहाँ 10 नंबर दिया रहेगा, वो खोल दिया हूँ, तब फाइनली मेरा सब खुल चुका है। और ये दोनों 10 नंबर भी एंगल का खोल चुका हूँ, ये साइड का पैनल 10 नंबर खोल के खोलना पड़ेगा आपको, और ये पिन और इस टाइप का भी पैनल 10 नंबर खोल के खोलना पड़ेगा। तो जैसा कि देख पा रहे फाइनली डैशबोर्ड पूरी तरीके से मेरा खुल चुका है अंदर से, अंदर से और कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बाहर से बस मैं आपको बाहर दिखा देता हूँ बाहर क्या क्या खोल रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वाइपर वगैरह खोल दिया हूँ, कॉल पैनल वगैरह खोल दिया हूँ, खोल के ये दो 12 नंबर है ये दोनों भी खोल दिया हूँ, और हीटर का पाइप निकाल दिया हूँ जैसा कि आप देख पा रहे क्लिप निकाल के, और एक्सपेंशन वाल जैसा कि आप देख पा रहे एक्सपेंशन वाल खोला नहीं हूँ, दोनों 10 नंबर है लगा हुआ, खोल के फिर मैं बाहर आपको दिखाऊंगा। तो जैसा कि देख पा रहे मैं बाहर भी फाइनली सब कुछ खोल दिया हूँ, अंदर भी सब खुल चुका मेरा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्सपेंशन वाल का ज्वाइंट खोल के मैं डैशबोर्ड पल्टी मार के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मैं डैशबोर्ड खोल दिया, इसका पल्टी मार दिया हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रही इसका इवेपोरेटर कॉइल यानी कूलिंग कॉइल जिसे बोलते हैं, और ये इसका ट्रे मैं खोल चुका हूँ, इसको स्क्रू सब खोल चुका हूँ, इसका 4-5 स्क्रू रहेगा, और ये रही कूलिंग कॉइल, और ये रही नया वाला। सबसे पहले आप नया वाला देख लीजिए, क्योंकि प्राइस का बहुत इश्यू रहता है, कहीं आपके पास 4,000 कहीं 5,000 कहीं कुछ लेता होगा, जो कि ओरिजिनल प्राइस देख लीजिए आप 2401 रुपये का है, ये 2011 का मॉडल का पेट्रोल कार का है i20 का, जैसा कि आप देख पा रहे कूलिंग कॉइल जैसा दिख रहा है। तो चलो फिर मैं इसको जूना वाला निकाल के नया वाला फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली मैं नया कॉइल डाल चुका हूँ, इसमें प्रॉपर तरीके से फिक्स कर दिया हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सब स्क्रू वगैरह लगा दिया हूँ। तो चलो फिर मैं इसको डैशबोर्ड डालता हूँ, फिर आगे आपको। तो जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली मैं डैशबोर्ड डाल दिया वापस से, इवेपोरेटर कॉइल रिप्लेस करके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सब मेरा खुला पड़ा है। तो चलो फिर मैं इसको फिटिंग करता हूँ, फाइनली फिटिंग करके थोड़ा बीच में एक बार और दिखा दूंगा,
सब खुला हुआ है जैसा कि आप देख कर रहे हैं, दिखा भी दिया हूँ। तो चलो ये सब धीरे धीरे मैं फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देखें सब सॉकेट अभी खुली है, सिर्फ मैं अभी डैशबोर्ड डाला हूँ इसमें। तो चलो फिर मैं फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली इस साइड का डैशबोर्ड फिट हो चुका है ना। ये कूलिंग कॉइल का डब्बा है, तो सब फिटिंग कर दिया हूँ, बस गियर बॉक्स कंसोल बॉक्स लगाना बाकी है। सॉकेट वगैरह सब ये सब लगा दिया हूँ, बस बाकी ये भी लग गया अपना स्टेयरिंग यूनिवर्सल जॉइंट, इधर का भी लग गया। तो फाइनली सब फिटिंग करके फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे फाइनली पूरी डैशबोर्ड फिट हो चुकी है अपना। मैं बैटरी का वायर भी लगा दिया हूँ, जैसा कि देख पा रहे बैटरी का वायर सब प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। जैसा कि देख पा रहे मैंने जो भी खोला था सब फिट कर दिया हूँ। तो चलो फिर बाहर का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बाहर का भी प्रॉपर तरीके से फिट कर चुका हूँ और आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे फाइनली सब फिट हो चुका है और मैं इसमें लो और हाई दोनों लगा हुआ है और इसमें गैस भी मारने जा रहा हूँ मैं। सब वैक्यूम वगैरह लीक टेस्ट वगैरह सब कर लिया हूँ और इसमें मैं गैस मार देता हूँ। ऑयल भी डाल चुका हूँ, 450 ग्राम गैस मार देता हूँ। तो गैस फिल लगभग हो चुका। तो चलो फिर मैं अंदर आपको गाड़ी वगैरह चालू करके फिर कूलिंग टेम्परेचर वगैरह दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे फाइनली मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे गाड़ी चालू है अभी और एसी मैं चालू रखा हूँ, आउटसाइड एयर भी चालू है, लोड की स्पीड 2 पे है और कूलिंग टेम्परेचर देख लीजिए आप 12.3 पे आ चुका है। धीरे धीरे ड्रॉप होगा, अभी मैंने जस्ट चालू किया, यानी कूलिंग विंग सब बराबर हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, मैं ये सब चीज़ें ना आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, बाकी और कुछ नहीं। आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।